यूपीएससी में 44वीं रैंक बिहार के युवक की ही, हरियाणा का तुषार फर्जी निकला। खुलासे के बाद दिल्ली से लापता, फोन स्विच ऑफ। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के रिजल्ट में 44वीं रैंक को लेकर खुद के चयन का दावा करने वाला हरियाणा के रेवाड़ी जिला निवासी तुषार कुमार फर्जी पाया गया है। असल में ये रैंक बिहार के भागलपुर के रहने वाले तुषार कुमार को मिली है। यूपीएससी की तरफ से शुक्रवार को बयान भी जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि तुषार के अलावा एक अन्य अभ्यर्थी द्वारा जाली दस्तावेज तैयार कर खुद को यूपीएससी में चयन होने का दावा किया गया था। असलियत यह है कि रेवाड़ी का तुषार प्री एग्जाम भी पास नहीं कर पाया था, लिहाजा पिछले 3 दिनों से चले आ रहे विवाद के बाद रेवाड़ी के तुषार ने गुरुवार को बातचीत करते हुए कहा था कि इसकी सच्चाई पता करने के लिए वे दिल्ली स्थित यूपीएससी मुख्यालय पर गए हुए हैं। इसके बाद से अपने घर नहीं लौटे हैं, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, उनके परिवार का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुबह तक घर न आने पर मोबाइल बंद होने के बाद उनके बड़े भाई राहुल सैनी तुषार को ढूंढने दिल्ली गए हैं। आपको बता दें कि रेवाड़ी शहर की सती कॉलोनी निवासी तुषार की भाभी ज्योति ने सुबह मीडिया से बात करते हुए बताया था कि वह इस पूरे विवाद के बाद दिल्ली गया था, रोल नंबर को लेकर क्लियर करने गया था। बोल रहा था भाभी घर संभाल लेना, रो भी रहा था। उसके बाद फोन मिलाया, फोन भी बंद आ रहा है। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने की खुशी तो बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन क्या करे, सपना ही टूट गया। गुरुवार को दिल्ली वह अपने दोस्त के साथ गया था, फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। आज सुबह मेरे पति राहुल सैनी उन्हें ढूंढने दिल्ली गए हुए हैं। दरअसल 3 दिन पहले यूपीएससी के रिजल्ट में 44वीं रैंक तुषार कुमार नाम के अभ्यर्थी को मिली थी। इसके बाद रेवाड़ी के सती कॉलोनी में रहने वाले तुषार ने दावा किया ये रैंक उनकी है। इस बीच बिहार के भागलपुर निवासी तुषार कुमार ने दावा किया कि 44वीं रैंक उनकी है। विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। दोनों तुषार कुमार ने अपने अपने एडमिट कार्ड मीडिया को दिए, इसमें दोनों का रोल नंबर सेम पाया गया। भागलपुर के तुषार ने रेवाड़ी के तुषार के एडमिट कार्ड को शुरू से ही फर्जी बताया था और इसकी शिकायत भी बिहार के कैमूर एसपी को दी थी। दरअसल यूपीएससी का रिजल्ट आया तो रेवाड़ी के रहने वाले तुषार कुमार पुत्र स्वर्गीय ब्रजमोहन ने कहा कि मेरा तीसरे अटेम्प्ट में 44वां रैंक आया है। उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई सरकारी स्कूल में की, इसके बाद केएलजीपी कॉलेज से बीकॉम किया और फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान उनकी माँ और पिता का निधन हो गया, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। लेकिन अब यूपीएससी ने बताया कि रेवाड़ी के तुषार ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर दावा किया है। वहीं बिहार के भागलपुर निवासी तुषार कुमार ने रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही रेवाड़ी के तुषार के दावे को गलत बताया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा के तुषार का एडमिट कार्ड ही फर्जी है, उसे एडिट कर बनाया गया है, उसमें यूपीएससी का वाटरमार्क भी नहीं है, उस पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करने पर कोई डिटेल नहीं आ रही है। यूपीएससी के खुलासे के बाद बिहार के तुषार का दावा सही निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, संचार क्रांति न्यूज़।